अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है जी? कल हमने सुनी थी एक मज़े की कहानी और आपने वो कहानी सुनाई अपने दोस्तों को। वाह भाई ज़बरदस्त, फिर कैसी लगी आपके दोस्तों को कहानी? अच्छी लगी, मज़े की कहानी थी ना? कहानी तो बहुत मज़े की थी, आपके दोस्तों को पसंद भी आई। चलिए जी, फिर आज करते हैं एक मज़े की मश्क, है ना, साथ में करते हैं मज़े का गेम, खेलेंगे मेरे साथ में। हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी, आप उन्हें पहचानिएगा कि भाई वो कैसी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, नाम क्या है उनका, मुझे बताइएगा, तो मैं देखूँ भाई कितना आप जानते हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए जी, आंखें बंद करें जल्दी से और अब देखें यहाँ पे ये क्या है। खोले खोले आंखें, जल्दी से खोलें, ये क्या है भाई? ये है जी, ये है लहसुन। लहसुन, लहसुन जी किचन में होता है ना मम्मा के पास, मम्मा इसे खाना पकाती है, इसे कहते हैं लहसुन। लहसुन, लहसुन ये क्या है भाई? ये जी, ये लीमू। लीमू, लीमू, हाँ लीमू का शरबत भी पीते हैं, सिकंजमी बना के पीते हैं और खानों में भी डालते हैं, है ना, मज़े का होता है, खट्टा खट्टा सा, है ना। ये है लीमू। लीमू ये क्या है भाई? इससे तो डर लग रहा है मुझे। ये है लाल बेग। लाल बेग, लाल बेग ये क्या है? लाल बेग, आप डरते इससे? नहीं डरते, मार देते हैं इसे। अरे भाई वाह, आप तो बहुत बहादुर हैं भाई कि लाल बेग मार देते हैं, जबरदस्त भाई। चले जी, एक और दफा देखते हैं चीजें हमने क्या क्या पढ़ी। लहसुन, 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 लीमू, 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 लाल बेग, लाल बेग, लाल बेग, लहसुन, लीमू, लाल बेग, लहसुन, लीमू, लाल बेग, लहसुन, लीमू, लाल बेग। गौर करें ज़रा आप इन सारे अल्फाजों पे, लहसुन, लीमू, लाल बेग, लहसुन, लीमू, लाल बेग। हाँ, इन सब की शुरू की आवाज़ है लीमू, लहसुन, लाल बेग। हाँ भाई, इन सब की शुरू की आवाज़ तो ल है। अब ल कौन है भाई? ल से तो मिलना पड़ेगा, इन सब की शुरू की आवाज़ ल है। चलें फिर मिलते हैं ल से, ये देखें, ये है ल, ये है ल, लीमू, लहसुन, लाल बेग। हाँ, अब ये ल बनता कैसा है भाई, ये भी देखना पड़ेगा अब तो। लेकिन हम जब ल को बनाना सीखेंगे तो हमें याद है ना कि जब हम बनाते हैं आवाज़ों को तो हम साथ में नज़म भी पढ़ते हैं मज़े मज़े की, तो ल की भी एक मज़े की नज़म है। बताऊँ मैं आपको क्या नज़म है? चले सुनते हैं। लोमड़ ने लीम खट्टा लीमू खाया, ल फिसल कर नीचे आया। जी आप निकालें अपने हाथ, फिंगर्स को बंद करें और यहाँ पे रखें अपना अंगूठा, बंदे में दो फिंगर्स और दो उंगलियों को हमने क्या करना है, अब ल को बनाने की मश्क करनी है और साथ साथ नज़म भी पढ़ते जानी है। ठीक है, चले पढ़ते हैं। लोमड़ ने खट्टा लीमू खाया, ल फिसल कर नीचे आया। लोमड़ ने खट्टा लीमू खाया, ल फिसल कर नीचे आया। लोमड़ ने खट्टा लीमू खाया, ल फिसल कर नीचे आया। जी मज़े की नज़म है ना, याद करनी है अब आपने।
चलिए जी जनाब, अब खोलते हैं अपनी किताब और किताब का सफ़ा हमारे पास खुल चुका है और यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे आइकन्स। आइकन कौन कौन से मौजूद हैं जल्दी से बताइए, मुझे पता है अब आप आइकन्स देख के पहचान लेते हैं कि हमें इस सफ़े पे क्या काम करना है ना जी। सबसे पहले हमने पढ़ना है, फिर पेंसिल फेरनी है, बिल्कुल ठीक जनाब, और फिर जी फिर हमने रंग भरने हैं। पहले पेंसिल फेरेंगे नहीं, फिर पढ़ेंगे, शाबाश, पहले पढ़ेंगे फिर पेंसिल फेरेंगे और फिर रंग भरेंगे। इन सबसे पहले यहाँ पे तारीख लिखेंगे, है ना, तारीख लिखी आपने आज की। अब पढ़ते हैं लेसन लेसन लेसन, लेसन की शुरू की आवाज़, लेसन की शुरू की आवाज़, लाल बेग लाल बेग लाल बेग की शुरू की आवाज़, लाल बेग की शुरू की आवाज़, लीमू 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 की शुरू की आवाज़, लीमू की शुरू की आवाज़, लीमू लीमू। जी जनाब, और ल को अब क्या करेंगे हम, पहले हमने पढ़ लिया, अब हम पेंसिल फेरेंगे। पेंसिल्स निकाल लीजिए, शॉर्प कर लीजिए, और शॉर्प करने के बाद ल पे मौजूद है बड़ा सा नुक्ता, यहाँ पे रखेंगे अपनी पेंसिल। आहिस्ता आहिस्ता नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे और हमारा ल बन जाएगा। और हम जब पेंसिल फेरेंगे तो साथ साथ पढ़ेंगे अपनी नज़म, और नज़म है हमारी लोरमर ने खट्टा लीमू खाया, ल फिसल कर नीचे आया। जी जनाब, हमने ल को पेंसिल फेर लिया, पेंसिल फेरने के बाद हम करेंगे क्या जी, मानो बिल्ली का कहना मानेंगे। कलर पेंसिल्स निकाल लीजिए, कलर पेंसिल्स का शॉर्प कर लीजिए और बारी बारी हर तस्वीर पे अच्छे से रंग कीजिए। लहसुन पे, लाल बेग पे, लीमू पे रंग कीजिए। ख्याल रखिए कि रंग तस्वीरों से बाहर ना जाए, एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तस्वीरों से रंग बाहर जाएंगे, तस्वीरें ख़राब लगेंगी, है ना। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे, रंग कर लेंगे, पेंसिल फेर लेंगे और पढ़ लेंगे, तो अपने मम्मा पापा को ज़रूर रीचेक कराइएगा ताकि देखें भाई कोई चीज़ गलत तो नहीं हो गई है ना। और फिर अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा, उन्हें बताइएगा आज हमने ल की आवाज़ के बारे में पढ़ा, और मेरा वेट कीजिएगा, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।